हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश पटेल और आज अपने यूट्यूब चैनल पावर प्लांट टेक्निकल प्रत्यूस पर एक्सप्लेन करूंगा बॉयलर वाटर केमिस्ट्री। ये टॉपिक उन सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो थर्मल पावर प्लांट ऑपरेशन मेंटेनेंस या केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा एचपी डोजिंग, जिसको टीएसपी डोजिंग, ट्राई सोडियम फॉस्फेट डोजिंग भी बोलते हैं, या Na3PO4 डोजिंग बोलते हैं। सेकेंड है एलपी डोजिंग, इसमें अमोनिया डोजिंग और हाइड्रोजन डोजिंग आते हैं। तो इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये डोजिंग किस पॉइंट पर की जाती है और इसको डोज करने से हमारा कौन सा केमिस्ट्री का पैरामीटर मेंटेन होता है। अगर हम उस पैरामीटर को मेंटेन नहीं करेंगे तो उसके क्या कंसीक्वेंसेस होंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें, जिससे आप समझ सके कि क्या इंपॉर्टेंस होता है इन डोजिंग का और केमिकल रिएक्शन क्या होती है, किस तरीके से हम पैरामीटर को कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एचपी डोजिंग, जिसको हम ट्राइसोडियम फॉस्फेट या Na3PO4 का डोजिंग भी बोलते हैं। तो इसके लिए एक मिक्सिंग टैंक होता है जिसमें टीएसपी को, ट्राइसोडियम फॉस्फेट को, यहाँ पर मिक्स किया जाता है एजिटेटर से और उसको डाइल्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। देन यहाँ पर एक पंप होता है जिसको हम एचपी डोजिंग पंप या फॉस्फेट पंप भी इसको बोलते हैं। ये डोज करता है बॉयलर ड्रम में। देखिए बॉयलर ड्रम के साथ यहाँ पर लाइन कनेक्ट है, बॉयलर ड्रम में इसका डोजिंग होता है। अभी जब ये डोजिंग होगा तो क्या यहाँ पर चेंजेस आएंगे बॉयलर ड्रम वाटर में, मैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन से आपको एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये सीबीडी और आईबीडी इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ केमिकल डोजिंग। तो फर्स्ट आप देखेंगे ये ट्राइसोडियम फॉस्फेट है जो H2O के साथ रिएक्ट करता है और Na2HPO4 बनाता है, इसको बोलते हैं डाई सोडियम फॉस्फेट। और ये है NaOH। NaOH जब बनेगा तो ये डेफिनेटली OH आयन यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, तो हमारा जो बॉयलर ड्रम का वाटर है उसके पीएच को इंक्रीज कर देगा और पीएच को इंक्रीज करना ही इसका प्राइम पर्पस होता है ट्राई सोडियम फॉस्फेट डोजिंग करने का। अगर आपको किसी इंटरव्यू में पूछा जाता है या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो ये प्राइमरी फंक्शन जो है ट्राई सोडियम फॉस्फेट का, वो पीएच को इंक्रीज करना है, पीएच को इंप्रूव करना है ड्रम वाटर का, सो दैट हम कोरोसिव नेचर को प्रिवेंट कर। 9.67 तक ये इसका रेंज है, ये लिमिट है इसका, और एक्चुअल जैसे 9.27, 9.25 इतना पीएच हमको बॉयलर ड्रम वाटर का मिलता है, जो कि हम श्वास में चेक करते हैं। श्वास क्या है, स्टीम वाटर एनालिसिस सिस्टम होता है जहां पर इनके सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसके बाद में हम इसको चेक करते हैं कि पीएच कितना आ रहा है। तो बॉयलर ड्रम वाटर का जो रेंज है 600 मेगावाट की यूनिट में, वो 9.1 से 9.7 है और एक्चुअल हमको 9.27, 9.25 इस तरीके से हमको पीएच मिलता है। अब देखिए ट्राइसोडियम फॉस्फेट रिएक्ट करता है कैल्शियम सल्फेट से, एक तो हो गया पीएच को इंक्रीज करता है, दूसरा हमारा जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट है, कार्बोनेट है, उनसे रिएक्ट करके क्या करता है, लूज हमारा स्लज बनाता है। ये लूज स्लज है Na3PO4 C+3CaSO4, यहाँ पर 3NaSO4 +Ca3PO4 का O2 ट्वाइस, ये स्लज है। ये लूज होके स्लज क्या होगा, स्लज यहाँ पर बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा। जब ये स्लज यहाँ बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली इसका कंडक्टिविटी और TDS आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, टोटल डिसॉल्व सॉल्ट यहाँ पर बढ़ा हुआ मिलेगा। तो उसमें उसको हमको क्या करना है, उसको या तो हम कंटिन्यूस ब्लोडाउन से या फिर इंटरमीडिएट ब्लोडाउन से हम उसको ब्लोडाउन दे सकते हैं। ये सीबीडी जो है ये कंपेरेटिवली आईबीडी ये ज्यादा अच्छा है, इसमें हम हीट रिकवरी कर लेते हैं। जो सीबीडी का हीट है उसको हम लेके जाते हैं डिएरेटर और इसकी हीट को हम यूटिलाइज कर लेते हैं। तो टाइम टाइम पर जैसे सिलिका यहाँ पर हमारा 100 PPB है, 100 PPB का रेंज है और अगर ये 65 यहाँ पर मिल रहा है तो ये कंट्रोल लिमिट में है। और अगर सिलिका इंक्रीज हो जाता है 100 या 100 से ऊपर जाता है तो उस केस में हमको ब्लोडाउन देना है। ये कंडक्टिविटी आप देख रहे हैं, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी का और TDS का एक रिलेशन होता है। TDS इज इक्वल टू होता है, TDS इज इक्वल टू 0.66 इनटू कंडक्टिविटी। इस रिलेशन से आप जो TDS है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मेनली हम कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं, उससे हम टोटल डिसॉल्व सॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से ये ट्राइसोडियम फॉस्फेट का रिएक्शन है MgSO4 के साथ, ये भी हमारा लूज स्लज बनाएगा जिसको हम ब्लोडाउन देके रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हम टोटलिटी में बोलेंगे कि एचपी डोजिंग हमारा क्या करता है बॉयलर ड्रम में, जब हम एचपी डोज करते हैं तो उसका हमको क्या बेनिफिट होता है, एक तो पीएच इंक्रीज करता है और दूसरा जो भी हमारे टोटल डिसॉल्व सॉलिड होते हैं उनको स्लज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, उनको हम रिमूव कर सकते हैं।
तो अगर बॉयलर ड्रम वाटर पैरामीटर की बात करें तो हम इसमें पीएच चेक करते हैं, कंडक्टिविटी, सिलिका और फॉस्फेट। अब फॉस्फेट 1-4 ppm हम मेंटेन करते हैं, फॉस्फेट का हम डोजिंग कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर डोजिंग ज्यादा हो जाएगा तो हमारा फॉस्फेट जो है वो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। अब आउट ऑफ रेंज अगर फॉस्फेट होगा तो उसका क्या ड्रॉबैक है? फॉस्फेट अगर हमारा 1-4 का हमारा लिमिट है, अगर 6-5 या 6 ppm अगर मेंटेन करेंगे तो ये स्टीम के साथ में कैरी ओवर होगे और जो टर्बाइन है टर्बाइन के ब्लेड्स के ऊपर डिपोजिट हो सकता है, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है। अभी लास्ट पैरामीटर आप यहाँ पर देख रहे हैं आयरन, आयरन हमारा लेस देन 50 ppb हमको मेंटेन करना है, लेकिन नॉर्मल रनिंग कंडीशन में आयरन हमारा नील होता है। आयरन का वैल्यू कब इंक्रीज करता है? जब हम थर्मल पावर प्लांट का शटडाउन लेते हैं या यूनिट हमारा यूनिट आउटेज होता है, तो उस केस में क्या होता है, जो कंडेंसेट है स्टीम है उसके ड्रास्टिकली टेम्परेचर चेंजेस होते हैं और उसके साथ में जो आयरन का डिपोजिट है और वो आयरन इसमें मिक्सअप हो जाता है। तो आयरन को कंट्रोल करने के लिए सीपीयू प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट बोलते हैं। अगर आप सीपीयू को समझना है तो ये एक मिक्स बेड की तरह एमबी की तरह होता है, इसमें रेजिन होता है और जो रेजिन है उसको अगर एक तरह का पॉलीमर है, पॉलीमर से जब हम पास करते हैं कंडेंसेट को मिक्स बेड में, और सीपीयू में डिफरेंस ये होता है कि मिक्स बेड लो टेम्परेचर में आयंस को अटेंड कर सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव आयंस को रिमूव कर सकता है, और सीपीयू का जो रेजिन है पॉलीमर है वो हाई टेम्परेचर पे अप टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक वर्क करता है, इसलिए हम यहाँ पर पॉलीमर यूज करते हैं कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट में और उससे हम आयरन को कंट्रोल कर सकते हैं और इससे इसमें बहुत हद तक सिलिका भी कंट्रोल होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एलपी। आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ एलपी डोजिंग। एलपी डोजिंग में अमोनिया डोजिंग को हम फर्स्ट कंसिडर करते हैं। तो अमोनिया डोजिंग कहाँ कहाँ पर होता है? फर्स्ट पॉइंट होता है कंडेंसेट लाइन में और सेकेंड हमारा बीएफपी के सक्शन लाइन में। अब अमोनिया का डोजिंग हम क्यों करते हैं? अमोनिया का डोजिंग करते हैं पीएच को इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज पीएच एंड रिड्यूस द चांसेस ऑफ कोरोजन इन एलपी फ्लूइड लाइक फीड वाटर एंड कंडेंसेट। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि जब पीएच को इंक्रीज करना है तो हमने बॉयलर में फॉस्फेट का डोजिंग किया था, ट्राइसोडियम फॉस्फेट का डोजिंग किया था, तब यहाँ पर हम अमोनिया को क्यों डोज कर रहे हैं? और जो अमोनिया है वो फॉस्फेट के कंपेरिजन में कॉस्टली भी होता है। एक लीटर जो अमोनिया का कॉस्ट है वो 950 रुपीज होता है और एक लीटर फॉस्फेट का जो कॉस्ट है वो 150 रुपीज होता है। तो यहाँ पर हम फॉस्फेट को डोज क्यों नहीं कर सकते हैं? उसका एक रीजन है, अगर हम लो प्रेशर रीजन में, लो प्रेशर रीजन में जो फ्लूड है फीड वाटर या कंडेंसेट इसमें अगर फॉस्फेट को डोज करेंगे तो चांसेस होंगे कि हमारा फॉस्फेट पूरा ही प्रेसिपिटेट हो जाएगा। फॉस्फेट का जो नेचर है वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर वर्क करता है, पीएच को इंक्रीज करता है और जो मैग्नीज और कैल्शियम के सल्फेट कार्बोनेट है उनको प्रेसिपिटेट करता है। तो यही रीजन है कि हम यहाँ पर अमोनिया यूज करते हैं, फॉस्फेट को यूज नहीं करते हैं। अब क्या होता है जब यहाँ पर हमने कंडेंसेट लाइन में, ये देख रहे हैं आप ये कंडेंसेट लाइन है जो डिएरेटर के लिए गया हुआ है और ये बीएफपी का सक्शन लाइन है, इसको हम फीड वाटर आउटलेट कंसिडर करते हैं, डिएरेटर का आउटलेट। तो यहाँ पर हम डोजिंग करते हैं अमोनिया का, ये डोजिंग करने के बाद पीएच क्या होगा हमको मेंटेन करना है, फीड वाटर का पीएच मेंटेन करना है 8.8 से 9.3। हम एक्चुअल जब मेजर करते हैं अमोनिया का डोजिंग करने के बाद में तो हमको ये 9.2 मिलता है, हमको 8.8 से 9.3 के बीच में मेंटेन करना है। और कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी आपका रहेगा लेस देन 6, कंडक्टिविटी का जो यूनिट है वो माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर है, कंडक्टिविटी लेस देन 6 होगा तो ये एक्चुअल 4.7 मिलता है। सिलिका हमारा लेस देन 20 तो हमको 8.13 मिलेगा। ये सभी पैरामीटर में 600 मेगावाट यूनिट का आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको आप अपने यूनिट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं क्योंकि ये 600 मेगावाट का पैरामीटर है, मे बी समाउ इधर उधर होगा, ये 8.8 है टू 9.3 है तो हो सकता है आपके यूनिट में 8.5 टू 9.5 हो, ये हो सकता है। और सिलिका है पीपीबी में लेस देन 20 तो 8.13 पीपीबी हमारा एक्चुअल मिलता है, हार्डनेस नील मिलता है। अभी कंडेंसेट की अगर बात करें तो कंडेंसेट में भी हमारा सेम ही होता है, पीएच 8.8 से 9.3 और एक्चुअल हमको 9.17 मिलता है। अभी कंडक्टिविटी का भी वही रेंज है लेस देन 6 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर, हमको एक्चुअल मिलता है 4.65। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जो पीएच है अमोनिया डोजिंग करने के बाद में इस रेंज में हमको मिलना चाहिए, हमको पीएच
को इंक्रीज करने के लिए हमने यहाँ पर जो हाइड्रोजन का डोजिंग किया था, सॉरी पीएच को, यहां पर पीएच को इंक्रीज करने के लिए हमने अमोनिया का डोजिंग किया था, तो हमको पीएच जो है इस लिमिट के अंदर ही हमको मिलना चाहिए। अगर यहां पर देखेंगे, मैंने यहां पर अमोनिया लिखा है, अमोनिया 0.6 लेस देन 0.6 हम यहां पे चेक करते हैं पीपीपी में और 0.45 मिल रहा है, तो अमोनिया चेक करने की क्या जरूरत पड़ गई यहां पर। एक्चुअली अगर अमोनिया ज्यादा हो जाएगा तो अमोनिया का वैल्यू अगर 0.6 से इंक्रीज कर जाएगा तो उस कंडीशन में भी ये कोरोसिव नेचर क्रिएट करता है, ये अमोनिया का प्रॉपर्टी है, तो हमको लेस देन 0.6 पीपीपी इसको मेंटेन करना है। अब ये हाइड्रोजन डोजिंग हम हाइड्रोजन डोजिंग करते हैं बीएफपी के सक्शन लाइन में, बीएफपी के सक्शन लाइन में हम हाइड्रोजन को डोज करते हैं, और हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन को ऑक्सीजन स्केवेंजर बोलते हैं, हाइड्रोजन को बोलते हैं ऑक्सीजन स्केवेंजर। तो इसकी रिएक्शन क्या होती है, ये हाइड्रोजन डिसॉल्व्ड O2 के साथ रिएक्ट करेगा, N2 और 2H2O बनाएगा, तो हाइड्रोजन रिमूव्स द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वाया अबव रिएक्शन, इट इज यूजफुल इन प्रिवेंटिंग कोरोजन। तो ये कोरोजन को कैसे प्रिवेंट करेगा, जब डिसॉल्व ऑक्सीजन को ये H2O में कन्वर्ट कर देगा उसमें होगा क्या, इसी के लिए हम इसको डिसॉल्व, इसको ऑक्सीजन स्केवेंजर बोलते हैं, कि ये ऑक्सीजन का स्केवेंज, स्केवेंज मींस रिमूव आउट कर देना या उसको कन्वर्ट कर देना, तो यहां पर ये कन्वर्ट कर दिया। इट डिकम्पोजेस एट टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म अमोनिया। अभी देखिए क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हम डोज करेंगे, ऑक्सीजन का स्केवेंजिंग होगा, मींस ये ऑक्सीजन स्केवेंजिंग के बाद में अभी सर्किट में आगे जाएगा फीड वाटर, तो उसमें कुछ ना कुछ हाइड्रोजन यहां पर रहेगा जो डोज करने के बाद में एक्सेस रहेगा। इकोनोमाइजर इनलेट पर हम चेक करते हैं रेसिड्यूअल हाइड्रोजन जो चेक करते हैं, यहां पर आप देखेंगे ये पैरामीटर लिखे हैं मैंने, फीड वाटर पैरामीटर, ये इकोनोमाइजर इनलेट के पैरामीटर है, पीएच आपका 8.8 से 9.3, पीएच को हमने पहले ही बूस्ट कर लिया है अमोनिया का डोजिंग करने करके, अभी कंडक्टिविटी लेस देन 6, ये 4.7 आया एक्चुअल। अभी हम बात करते हैं उस पैरामीटर की जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसके लिए यहाँ पर हाइड्रोजन जिस काम के लिए हमने यहाँ पर डोज किया है, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 0 to 50 होना चाहिए इकोनोमाइजर इनलेट पर फीड वाटर पैरामीटर में, वो हमको 24 मिल रहा है। ये है रेसिडुअल हाइड्रोजन जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद में बचा हुआ है, ये 24 अगर हमको यहाँ पर मिलता है तो उस केस में हम समझते हैं कि डिएरेशन परफेक्ट हुआ है। डिएरेशन दो तरह का होता है, यहाँ पर एक डिएरेटर में हमने जो ऑक्सीजन है उसको वेंट आउट किया। एक डिएरेटर कैसे वर्क करता है इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। और डिएरेटर में डिएरेशन होने के बाद में यहाँ पर हम इसके यहाँ पर हम फीड करते हैं, यहाँ पर डोजिंग करते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीजन को रिमूव आउट करने के, क्योंकि कोई भी प्रोसेस जो है वो परफेक्ट नहीं होती है, और जब भी यूनिट में लोड इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो डेफिनेटली जो हम डिएरेटर में पैकिंग लाइन देते हैं वो उसका पैकिंग लाइन या इसका जो हीटिंग लाइन होता है डिएरेटर का, तो उसका प्रेशर भी अप डाउन होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका सेचुरेशन टेम्परेचर है वो भी वरी करेगा, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन का रिमूवल परफेक्ट नहीं होगा, तो इसके लिए हम हाइड्रोजन डोज करते हैं। हाइड्रोजन डोज करने के बाद में हम चेक करेंगे कि यहाँ पर रेसिडुअल हाइड्रोजन हमको मिल रहा है, रेसिडुअल हाइड्रोजन मिल रहा है, तो रेसिडुअल हाइड्रोजन का क्या होगा, वो और भी फायदेमंद है। इट डिकम्पोजेस एट टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे ही बॉयलर में एंटर करेगा, डिएरेटर में टेम्परेचर क्या होता है, डिएरेटर में आप देखेंगे इनलेट का जो टेम्परेचर है 230 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड आता है, तो मीन्स बॉयलर में एंटर करने के पहले वो डिकम्पोज हो जाएगा, हाइड्रोजन डिकम्पोज होगा अमोनिया में, और ये अमोनिया जो है, अमोनिया क्या करता है, पीएच को बूस्ट कर देता है, तो अल्टीमेट फीड वाटर के पीएच को बूस्ट कर देगा, इंक्रीज कर देगा, और अगर हम बोलेंगे रेसिडुअल हाइड्रोजन मेंटेन करने से हमारा जो फॉस्फेट का कंजम्पशन है वो भी समवॉट रिड्यूस होगा, अगर हम इसको विद इन लिमिट मेंटेन करेंगे तो आज मैंने आपको ये बॉयलर वाटर केमिस्ट्री में एचपी डोजिंग एलपी डोजिंग पूरा एक्सप्लेन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।